हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू शिक्षक आई ए एस जे के ए एस हाउ आर यू ऑल डूइंग आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माई नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वॉल एंड वेलकम टू माई लेक्चर सीरीज अभी हम जो कर रहे हैं वी आर डूइंग द करंट अफेयर लेक्चर सीरीज टारगेटिंग जे के ए ए एस प्रिलिमिनरीज ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑल राइट सो अभी हमने इन्वायरमेंट किया पहले देन वी डिड अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन एंड नाउ वी आर बेसिकली डीलिंग विद ऑल दोज जोग्राफिक कंसेप्ट विच हैव बीन इन न्यूज़ इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ट अबाउट राइट हम लोगों ने एमॉक के बारे में जो है वो लास्ट लेक्चर में बात किया था आज के लेक्चर में हम किसके बारे में बात करने वाले हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज़ वॉट दैट इज योर हीट डोम ठीक है सो आज के कंसेप्ट जो है वो हमारा रिलेटेड है हीट डोम के बारे में नाउ आज हम बेसिकली ना तीन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे वो तीन कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं एक तो आ जाएगा आपका हीट डोम जो आपको मैंने बताया अभी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सो वन इज योर हीट डोम नंबर सेकेंड कंसेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर एंड द थर्ड कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द अर्बन हीट आइलैंड्स ठीक है जी ट वी गील इन टूडेज लेक्चर सो लेट्स भी न्यूज में रहा था दो हजार बीस में और दो हजार इक्कीस में भी रहा है हाउ एवर यह हर साल जो है वो न्यूज में रहता है इसीलिए हमको जानना जरूरी है कि हीट डोम बेसिकली होता क्या है राइट अब नाउ आप सिर्फ इसको ऐसे समझो अब होता क्या है ये आपका पानी है ठीक है ओके लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हेयर नाउ ये आपका पानी है ठीक है अब सनरेज जो है वो पड़ रही हैं ठीक है थीके? तो क्या होगा पानी इज गोइंग टू गेट हीटेड अप सो दिस इज वार्म वाटर वॉर्म वाटर ऑलवेज राइजेस राइजेज मतलब इवेपोरेट राइजेज मतलब पानी नहीं ऊपर जाता है वॉर्म वाटर जो है वो उसका इवेपोरेशन होता ही होता है राइट right? अब यही जब इवेपोरेशन होकर ऊपर जाता है क्रिएटिंग अ लो प्रेशर ओवर हेयर जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा वन थिंग विच यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर इज इट इज गोइंग टू कॉज रेनफॉल ठीक है वॉर्म इज़ लो प्रेशर एंड वॉर्म वाटर ऑलवेज इवेपोरेट्स ऊपर की तरफ अब ये ऊपर की तरफ गया ऊपर जाके क्या होगा इट इज गोइंग टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स और जब ये नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स आर गोइंग टू कम टुगेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म क्लाउड्स एंड द सेचुरेशन पॉइंट इज गोइंग टू कम जब ये क्लाउड्स जो है वो होल्ड नहीं कर पाएंगे आपका ठीक है और जब ये क्लाउड्स जो होल्ड नहीं कर पाएंगे मोर नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दे आर गोइंग टू पोर डाउन एज रेन ये आपका पूरा कंसेप्ट रहता है अब आप इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा जब कभी भी कोल्ड वाटर होता है इट इज़ ऑलवेज़ हाई प्रेशर और जब कभी भी वार्म वाटर होता है या वार्म कंडीशंस होती हैं दे आर ऑलवेज लो लो प्रेशर सो कोल्ड कंडीशनज़ आर हाई प्रेशर वार्म कंडीशनज़ आर लो प्रेशर जो कोल्ड एयर होती है बिकॉज इट इज़ हाई प्रेशर याद रखिएगा जो कोल्ड एयर होती है इट ऑलवेज डिस्टेंड्स इट नेवर राइजेज अप वाई बिकॉज इट इज़ हैवी बस इतना याद रखो याद रखने के लिए आप इतना भी एक आ, बिल्कुल ले मैन सा एक एग्जाम्पल दे दो देख लो कि जो हमारे ए होते हैं ना एयर कंडीशनर्स हम उनको ऊपर भी लगा सकते हैं स्प्लिट जिसको हम बोलते हैं ना दी स्प्लिट्स या जो एयर कंडीशनर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ लगे होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि वो ठंडी हवा छोड़ते हैं और जब ठंडी हवा बिकॉज इट बींगी वो नीचे की तरफ आ जाती है सो कोल्ड एयर ऑलवेज डिसेंड्स एंड वार्म एयर ऑलवेज राइज बींगवी ठीक है एंड वार्म इक्वल्स टू लो प्रेशर कोल्ड इक्वल्स टू हाई प्रेशर जब कभी भी वार्म कंडीशंस होती है इट कॉजेज रेनफॉल ठीक है अब इसको हम समझेंगे इन कंटेक्स टू हीट डोम की हीट डोम में होता क्या है अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा जब कभी भी आपका पानी जो है वो गर्म हो जाएगा सो इट इज़ गोइंग टू इवेपोरेट एंड इट इज़ गोइंग टू कॉज रेनफॉल राइट बट हीट डोम में चेंज हो जाती हैं कंडीशंस हीट डोम जुलाई 2021 में वापस से लाइमलाइट में आया जब पैसिफिक का नॉर्थ वेस्ट और सम पार्ट्स ऑफ कैनेडा वहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट फोर्टी डिग्री सेल्सियस जो है वहां पर एक्सपीरियंस किया गया और वहां पर हिस्टोरिक हीट वेव्स जो है वो हमको देखने को मिली ये फिनोमिना स्टार्ट कैसे होता है ये फिनोमिना बेसिकली आपका स्टार्ट होता है विद अ फिनोमिना इट बिकम्स विद अ विद्रॉन्ग चेंज इन द ओशन टेम्परेचर देखो ओशन वैसे का वैसा ही है सब कुछ वैसे का वैसा ही है लेकिन जब कभी भी जो आपका ओशनिक वाटर है वो एक्सट्रीमली उसमें चेंज आ जाए उसके टेम्परेचर में और वो क्या हो जाए और वो बहुत ज्यादा वॉर्म हो जाए so what is going to happen it is going to happen is that the oceanic water is going to get extremely warm ठीक है दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज कन्वेक्शन क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कन्वेक्शन आप लोगों ने सुना होगा रेनफॉल में वन ऑफ द टाइप ऑफ द रेनफॉल इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल्स ये कन्वेक्शनल रेनफॉल्स उन जगहों पे होती हैं जहाँ पे डायरेक्ट सन की रेडिएशंस पड़ती हैं मतलब कि कन्वेक्शनल रेनफॉल्स कहाँ पे होती हैं आपके ट्रॉपिक्स वाले रीजन में होती हैं या फिर आपके इक्वेटर वाले रीजन में होती है क्यों क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट रेडिएशन जो है वो सन की पड़ती हैं ठीक है सो एक और आप स्टैटिक का पॉइंट याद रखिएगा कन्वेक्शनल रेनफॉल्स कहाँ होती हैं ट्रॉपिक्स में होती हैं या इक्वेटर में होती हैं और इसका मतलब क्या है जब कभी भी रेनफॉल ड्यू टू वॉर्म वाटर बींग इवेपोरेटेड ऊपर जाता है और गर्मी की वजह से जो यू नो रेनफॉल क्रिएट होती है दैट इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज बड़ी गर्मी है बारिश होने के चांसेस हैं तो वो क्या है दैट इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल ठीक है नाउ वॉट इज़ हैपनिंग वॉट इज़ हैपनिंग इज वेन योर ओशनिक वाटर में वहाँ पर चेंज आ गया और वो और ज़्यादा गर्म हो चुका है ये जो हीट डोम का कंसेप्ट है ना आपके यूएस कैनेडा में मोस्टली गर्मियों में देखा जाता है जून जुलाई का ये कंसेप्ट है क्यों क्योंकि तभी वहाँ पर गर्मियाँ होती हैं तो आपका ओशनिक वाटर जो है वो एक्सट्रीमली गर्म हो गया नाउ दिस ओशनिक वाटर इज गोइंग टू राइज अप ठीक है इवेपोरेशन के ऊपर चल के इट इज़ गोइंग टू राइज अप अब इन नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है जब आपका हीट डोम नहीं होता जब ये ऊपर जाएगा ऊपर जाके जैसे जैसे ऊपर जाएगा नॉर्मल लैप्स रेट आएगा और यही जो गर्म हवा है ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म क्लाउड्स बट हीट डोम में क्या होता है ऐसा हो नहीं पाता ये जो वॉर्म एयर है वो ट्रैप हो जाती है क्या हो जाती है ट्रैप हो जाती है ट्रैप क्यों हो जाती है आपको याद रखना है इट इज़ बिकॉज वहाँ पर जो स्ट्रीम्स चलती हैं दैट इज़ द प्लानिटरी विंड्स जो चलती हैं वो उसको वहाँ पर ट्रैप कर लेती हैं ठीक है ठीके? कैसे ट्रैप कर लेती हैं ये आपका पैसिफिक है ठीक है अब यहाँ से क्या है गर्म हवाएं हैं वो भी चल रही हैं और हमारे जो आपकी जो ये है आ, गर्म जो आपका पैसिफिक कोस्ट है इट इज़ गोइंग टू गेट इवन मोर हॉटर तो उसकी इवेपोरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस राइट दैट इज गोइंग टू हैपन अब लैंड भी जो है वो भी गर्म हो रही है सो लैंड इज गोइंग टू गेट वो भी अपना जो है वो इवेपोरेशन करेगा और पानी में भी इवेपोरेशन होगा दोनों चीज़ें होंगी पानी भी इवेपोरेट कर रहा है और लैंड भी क्योंकि जल्दी गर्म होती है कंपेरेटिवली टू वाटर इट इज़ गोइंग टू इवेपोरेट नाउ जब आपका हीट डोम होता है तो अपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है हाई प्रेशर अब होता क्या है ये ऊपर जा रहा है आराम से अपने मस्त ऊपर जा रहा था लेकिन बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ये ऊपर जा नहीं पाता ये एक पॉइंट के बाद जो है वो रुक जाता है सो वॉट इज़ हैपनिंग दैट इन हीट डोम वॉट एक्चुअली हैपन्स इज़ दैट योर वॉर्म एयर इज गोइंग अप बट इट इज़ गेटिंग ट्रैप्ड ट्रैप्ड विद वॉट ड्यू टू हाई प्रेशर जब ऊपर एटमोसफेयर में हाई प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे से हवा ऊपर की तरफ जारी है दिस लाइट एयर गेट्स ट्रैप्ड और ये इधर ही घूमने शुरू कर जाती है अब ये ऊपर जा रही है जा नहीं पाई घूम जाएगी ऐसे घूमते रहेगी नाउ दिस इज़ वॉट इट इज़ क्रिएटिंग अ डोम लाइक स्ट्रक्चर डोम मतलब बंद हो गई है दिस हीट हैज़ गॉट ट्रैप्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड एज हीट डोम सो आपको याद रखना है कि हीट डोम बेसिकली होता क्या है जब आपका ओशनिक जो आपका वाटर है इट गेट्स एक्सट्रीमली हॉट अंडर कंडीशंस और तब ये जो वार्म एयर है ये इवेपोरेट करती है बट ड्यू टू एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर जो है वो उसको नीचे की तरफ धकेलता है और ये वार्म एयर ऊपर राइज नहीं कर पाती मतलब इट क्रिएट्स नो रेनफॉल तो जब तक रेनफॉल नहीं होगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो कूल cool डाउन कैसे होगा सो ड्यू टू नो रेनफॉल एंड ट्रैपिंग ऑफ द यू नो वार्म एयर इन दिस डोम इट इज कॉल्ड एज हीट डोम इस कंसेप्ट को हम प्यार से क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हीट डोम नाउ वॉट इज दिस हाई प्रेशर ये कौन से हाई प्रेशर है तो याद रखिएगा दीज आर जेट स्ट्रीम्स So, जब कभी भी आपकी जेट स्ट्रीम्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाती हैं और वो हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं और नीचे का जो वार्म एयर ऊपर की तरफ जाना था और उसने रेनफॉल करनी थी वो ऊपर जा ही नहीं पाती इट गेट्स ट्रैप्ड दिस इज कॉल्ड एज हीट डोम और ये कौन से सीजन का फिनोमिना है तो ऑब्वियसली ये समर सीजन का फिनोमिना है और हा, हाल ही में जो यू uh, नो you know, कुछ uh, एक डेढ़ साल पहले की न्यूज़ थी कि आपके कैनेडा में अ लॉट ऑफ पीपल डाइट ड्यू टू हीट डोम सो इट इज़ एक्सट्रीमली अनबियरेबल टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है ठीक है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपका हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहती है लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ये इसको नीचे की तरफ धकेल रही है और जब ये नीचे जाती है फिर ये ऐसे ऐसे करके इधर ही घूमना शुरू कर जाती है देयर फॉर क्रिएटिंग अ डोम लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज ही डोम और ये जो हाई प्रेशर है अगर पूछा जाए किन के द्वारा क्रिएट किया जाता है सो दीज आर योर जेट स्ट्रीम्स ठीक है So, आप यहां देख रहे कैनेडा यूएस यहां पर जो है समर के महीने में मोस्टली जून जुलाई के महीने में जो हीट डोम है वो हमको देखने को मिलती है नाउ वॉट आर गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ठीक है अब इम्पैक्ट भी देखना जरूरी है कि इम्पैक्ट क्या होगा आपकी हीट डोम का सो हीट डोम का इम्पैक्ट क्या हो सकता है डेथ्स देखने को मिलती हैं कनाडा में सौ से ज्यादा लोग मर गए थे हीट डोम की वजह से अनबियरेबली हाई टेम्परेचर जब कभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्रॉप का भी तो डैमेज हो जाएगा सिर्फ इंसान थोड़ी मरेंगे क्रॉप्स भी मर जाएंगी वेजिटेशन का लॉस होगा इसी के ही साथ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ड्राईनेस क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं पा रही है हीट जो है वो ट्रैप हो गई वो ऊपर जा ही नहीं पा रही है ठंडी हो ही नहीं पा रही है एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन की वजह से इट कॉजेज वाइल्ड फायर्स और सिंपली फॉरेस्ट फायर्स ठीक है सो दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ योर वॉट ऑफ योर हीट डो एन अदर कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सट्रीमली इन न्यूज ना वाई दिस वेट बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर वॉज एक्सट्रीमली इन न्यूज क्योंकि अभी देखा गया है कि वेट बल्ब टेम्परेचर का जो ट्रेंड है ना वो साउथ एशिया में बढ़ना शुरू हो गया है ट्रेंड इज राइजिंग साउथ एशिया मतलब इंडिया ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट और इंडिया में तो अलार्मिंग है उन्होंने बोला है कि लखनऊ पटना मुंबई चेन्नई दीज आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू वेट बल्ब टेम्परेचर एंड दिस वेट बल्ब टेम्परेचर इज इवन गोइंग टू कॉज डेथ्स ड्यू टू हीट अगर आप अभी का ही मौसम देखें तो मई के महीने में इतनी गर्मी हमने एक्सपीरियंस की ही नहीं है 56 इयर्स के बाद जो है ऐसा टेम्परेचर देखने को मिला है मई के महीने में एंड अभी जून जुलाई तो आया ही नहीं है जब ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो गोइंग टू राइज इट इज गोइंग टू बी एट इट स्पीक सो वॉट इज दिस दिस इज ऑल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड वन ऑफ द फिनोमिनाज इज वेट बल्ब टेम्परेचर जिसको साउथ एशिया में द ट्रेंड हैज़ बीन राइजिंग एंड ड्यू टू साउथ एशिया इट इज़ अलार्मिंग फॉर इंडिया क्योंकि आई की असेसमेंट रिपोर्ट नंबर सिक्स में क्लियरली कहा गया है कि वेट बल्ब टेम्परेचर की वजह से लखनऊ पटना मुंबई चेन्नई बेंगलुरु दे ऑल आर गोइंग टू गेट इंपैक्टेड ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा हम डिट मतलब इसको बड़ा कुछ ऐसे रॉकेट साइंस की भाषा में नहीं समझेंगे बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे अब देखो ये आप हो ठीक है बहुत गर्मियां हैं आप बहुत खुश थे बहुत गर्मियाँ हैं खुश क्यों है क्योंकि जैसे ही धूप पड़ती है आपकी बॉडी में स्वेट होता है इट इज इट स्टार्ट्स टू इवेपोरेट और जब ये इवेपोरेट होता है आपकी बॉडी कूल डाउन होती है ठीक है तभी कहते हैं जिनको पसीना आता है वो एक्चुअली गुड हेल्थ की निशानी है सो दिस इवेपोरेशन बेसिकली कूल्स डाउन योर बॉडी टेम्परेचर ठीक है नाउ अंडर वेट बल्ब टेम्परेचर वो कहते हैं कि बेसिकली वेट बल्ब इज दैट टेम्परेचर जब आपकी बॉडी का जो स्वेट है इट डजन गेट्स इवेपोरेटेड वो इवेपोरेट हो ही नहीं पाता वाई क्योंकि जो एटमोसफेयर है वो अपने सैचुरेशन पे आ जाता है सो ड्यू टू दिस सैचुरेशन द इवेपोरेशन फेल्स एंड ड्यू टू विच आपकी बॉडी जो है वो कूल cool डाउन नहीं हो पाती और जब आप पहले खुश थे अब यहाँ पे दुखी हो जाते हो एंड दिस वेट बल्ब टेम्परेचर हैज़ इवन द कैपेसिटी ऑफ डेथ्स कि इंसान की डेथ भी हो जाती है ड्यू टू अनबियरेबल टेम्परेचर इन साइड योर बॉडी एंड योर बॉडी फेलिंग टू कूल डाउन सो वेट बल्ब टेम्परेचर इज़ बेसिकली दैट टेम्परेचर विच इज़ द लिमिट अंडर विच द आउट साइड जो आपका हीट है एंड ह्यूमिडिटी जो है इट इज बेसिकली बियॉन्ड ह्यूमन टॉलरेंस जब आपके ह्यूमन टॉलरेंस के बियॉन्ड आपका हीट और ह्यूमिडिटी हो जाती है और इस ह्यूमिडिटी और हीट की वजह से इवेपोरेशन फेल्स एंड दैट इवेपोरेशन जो आपको कूल cool डाउन कर रही थी वो आपको कूल cool डाउन नहीं कर पाती दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज वेट बल्ब टेम्परेचर सो इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन टू द एयर एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर बट अगर ये टेम्परेचर बियॉन्ड हो जाए बॉडी कूल डाउन नहीं होगी विच इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ डेथ्स एंड आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट नंबर सिक्स में ऐसा कहा गया है जो आपकी 2021 में ही आई है उसमें क्लियरली कहा गया है कि वेट बल्ब टेम्परेचर का ट्रेंड जो है वो आपके कहां पे बढ़ रहा है आपके साउथ एशिया में बढ़ने को दिख रहा है सो आई पी ने फर्स्ट टाइम जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में बात की है ठीक है ये सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट थी उसकी सेकंड जो पार्ट था ना रिपोर्ट का वो 2021 में लेटेस्ट आई थिंक आपके सॉरी नॉट इवन 21 2022 मार्च के महीने में हाँ 22 है मार्च के महीने में आपका सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट का रिपोर्ट नंबर सेकंड आया है जो आपका फर्स्ट पार्ट था ना इस रिपोर्ट का वो 2021 अगस्त के महीने में आया था आई बिलीव और जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके मार्च के महीने में ही आया है सो दिस इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर लॉट ऑफ चांसेस इज कि वो आपको इस कंसेप्ट के बारे में पूछ लें ठीक है जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी गो टॉक अबाउट इज योर अर्बन आइलैंड ना वॉट आर एक्चुअली अर्बन आइलैंड नाउ अर्बन आइलैंड समझने के लिए आप इतना याद रखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पैच ऑफ लैंड था ये आपका सूरज है रेडिएशन आ रही है ये पैच ऑफ लैंड क्या हो रहा है ऑब्वियसली हीटअप हो रहा है राइट right? अब यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी होंगे राइट सो दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द हीट और कुछ कुछ एरियाज में जो होगा थोड़ा सा हीट का थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा अब इसी पैच ऑफ लैंड में जो पहले खाली था और इत इतने एरिया में इतने एरिया में आपका क्या हो रहा था गर्मी मतलब हीट uh, एब्जॉर्ब हो रही थी अब वहां पे आपकी बन गई है जी बिल्डिंग्स ठीक है ये आपकी बन गई बिल्डिंग्स अब पहले सिर्फ इतने पैच ऑफ लैंड में जो है वो हीट हो रहा था अब इसकी भी वॉल हीट अप होगी इसकी भी वॉल हीट अप होगी, ये भी हीट अप होगा ये भी हीट अप होगा ये भी हीट अप होगा फ्रंट वॉल भी हीट होगी भी हीट होगी ये भी हीट होगा ये भी हीट होगा ये भी हीट होगा, भी हीट होगा मतलब पूरे वॉल्स जो है वो हीट अप होंगी एंड दिस इज गोइंग टू एलिवेट हीट एब्जॉर्बशन इट इज गोइंग टू एलिवेट द हीट विच इज गेटिंग एब्जॉर्ब सो बेसिकली अर्बन आइलैंड इज बेसिकली अ कंसेप्ट जिसमें अगर आप देखेंगे ये आपका टेम्परेचर है ठीक है ये आप देखो ये आपका टेम्परेचर है अब देखो रूरल एरियाज क्योंकि वहां पे कंक्रीट कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स कम होती हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या है कम है कम है टेम्परेचर ठीक है सब अर्बन में आए थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स थी तो अब इनका ये वाला हिस्से भी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज करेगा अब कमर्शियल एरिया में आ जाओगे तो और ज़्यादा बिल्डिंग्स आ गई तो ये और ज़्यादा राइज करना शुरू हो गया और जो आपके सिटी एरियाज हैं वहाँ पे तो ढेर सारी बिल्डिंग है तो इसीलिए हीट एब्जॉर्बशन के लिए और ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड हो रहा है सो दिस टेम्परेचर इज़ गोइंग टू राइज़ इन योर अर्बन सिटी वाला एरिया दिस हीटिंग अप ऑफ द अर्बन सिटी ड्यू टू कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर अर्बन हीट आइलैंड्स। आपने सुना होगा कि गांव में जो है वो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती इन कंपैरिजन टू कंजस्टेड एरियाज़ कंजस्टेड एरियाज में क्यों देखो हमारे अर्बन एरियाज़ में हीट क्यों ज़्यादा बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी है और कंजेशन भी है कंजेशन मतलब साथ साथ घर हैं और ज़्यादा जो है दीवारें गर्म हो जाती हैं सो दिस इज़ द ट्रेंड विच इज़ कॉल्ड एज द अर्बन हीट आइलैंड और अगर आप देखेंगे फिर जैसे जैसे पार्कस में जाओगे नीचे आ गया सब रेजिडेंशियल में थोड़ा बढ़ गया रूरल फार्मलैंड में बिल्कुल सा और ज़्यादा गिर गया This is called as heat island, urban heat islands. ठीक है जी सो दिस इज ऑल फॉर टुडे हमने आज तीन कंसेप्ट के बारे में बात किया है वी टॉक्ट अबाउट द हीट डोम वी टॉक अबाउट वॉट कॉज इज हीट डोम वाई वॉज इट इन न्यूज और इसी के साथ हमने एक और कंसेप्ट के बारे में बात किया है दैट इज योर अर्बन हीट आइलैंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई पी सी सी की सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट की जो सेकेंड पार्ट आया है उसमें दो हज़ार बाईस मार्च की ये रिपोर्ट थी उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में भी बात हुई है सो दीज थ्री कंसेप्ट्स कैन बी कैन बी ईजीली आस्ट इन योर एग्जाम एंड आई होप कि अब इस लेक्चर को देखने के बाद यू विल नॉट कन गेट कन्फ्यूज एंड यू दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन मार्किंग द करेक्ट ऑप्शन थैंक यू एंड हैव अस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर कन्सेप्ट ऑन जोग्रफी एंड दोस्ट हुआ न्यू टू द चैनल डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अस डे